की रक्षा, देश की रक्षा, संविधान से प्यार, देश से प्यार। संविधान की रक्षा की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब जिन मुख्य उद्देश्यों को लेकर उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, वह आज उस पर जो है संविधान हमारा खरा नहीं उतर रहा है। कुछ भूखे सियासतदान लोग अपने निजी हितों की खातिर जो है बाबा साहब के सिद्धांतों को तिलांजलि दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, बाबा साहब और कांशी राम, बाबा साहब और कांशी राम, जिला स्तरीय संगठन को मजबूत करने के लिए और युवा साथियों को पार्टी में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी जाए, और जो हमने एक महीने का जो सदस्यता अभियान चलाया था उस पर हम कितना पहुँचे हैं, कितनी कितनी हमने विधानसभाओं में सदस्यता पार्टी के माध्यम से युवाओं को कराने का काम किया है। तो आज इस विषय पे जो है मुख्य जो है मीटिंग है, और इस मुख्य मीटिंग में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के बहुत ही सम्मानित माननीय डॉक्टर श्यामलाल जी आपके बीच में पहुंचे, एक बार जोरदार ताली। आज जिला फरीदाबाद की मुख्य मीटिंग में हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और मैं अपने बहुत सारे साथियों के नाम जानता हूं, लेकिन अभी सभी का इंट्रोडक्शन हुआ और एक दूसरे को सभी लोग जान गए हैं। मेरे सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता, सामान्य साथियों, आप सभी को मेरा सबसे पहले सर झुकाकर जय भीम। लोकसभा प्रभारी सरदार उपार्जुन जी आज यहाँ उपस्थित हैं कोविड-19 की वजह से, उनकी तरफ से मैं कुछ संदेश आपके बीच में रखना चाहती हूँ। हेल्पर क्लब की तरफ से जो एक संदेश है हमारा, जिस पर पापा जी जो है बहुत लंबे समय से पहरा दे रहे हैं, उसमें जो संदेश है संविधान की रक्षा, देश की रक्षा, संविधान से प्यार, देश से प्यार। संविधान की रक्षा की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब जिन मुख्य उद्देश्यों को लेकर उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, वह आज उस पर जो है संविधान हमारा खरा नहीं उतर रहा है। कुछ भूखे सियासतदान लोग अपने निजी हितों की खातिर जो है बाबा साहब के सिद्धांतों को तिलांजलि दे रहे हैं। सो जरूरत महसूस हो रही है कि संविधान को बचाया जाए, संविधान की रक्षा की जाए। संविधान की अगर हम रक्षा करेंगे तभी जो है देश की रक्षा होगी। संविधान की रक्षा ही देश की रक्षा है, और संविधान से प्यार ही देश से प्यार है। एक संदेश और जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। सबसे बड़ी बात जो है इंसानियत की है। हर जो भी मनुष्य इस संसार में पैदा होता है वो एक इंसान के रूप में पैदा होता है, पर जब वो यहाँ आता है हम उसे बता दे हैं, उस पर एक टैग लगा देते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ऊँच हो, तुम नीच हो। सो ये जात पात के झगड़े झमेलों में फंस कर जो है हम एक इंसान को उससे उसकी गोंद खींच लेते हैं, उसे भुला देते हैं कि तू इंसान ही है, तू पहले हिंदू है, तू पहले मुसलमान है। सो इन सब चीज़ों को भी हमें दूर रखना पड़ेगा, जात पात के झमेलों से ऊपर उठे सबसे पहले हमें जो हमारा मूल है उसको हमें पहचानना पड़ेगा। बाबा नानक भी बड़ी खूबसूरत से बयान करते हैं कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने मूल को पहचानने की जरूरत है। हम कौन हैं? हम इंसान हैं।
मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। ये ईश्वर का संदेश है। एक पिता एक की हम बार, वो एक है पिता और हम उसके बच्चे हैं, पर हम सब ये भूल जाते हैं और मजहबों के झगड़ों में, धर्मों के झगड़ों में, जात पात के झगड़ों में जो हमारा मुख्य उद्देश्य था इंसान बनने का, वो हम भूल जाते हैं। सो ज़रूरत है हमें इंसान बनने की। एक कविता जो पीछे हमने कोविड के टाइम पर भी लिखी थी, वो कविता भी मैं आपको यहाँ पर सुनाती हूँ। हम तुम इंसान बन जाएं और खुशहाल हो जाएं, हम तुम किसी को ना मारें और इंसान बन जाएं, हम तुम एक पिता के बच्चे और आपस में ना बट जाएं, हम तुम इंसानियत को समझें और इंसान बन जाएं। कोरोना हमारी उपज है, हमें पता ही नहीं है कि कोरोना कहाँ से आया, कोई क्या कह रहा है कोरोना, पर एक्चुअल में ये क्या है, ये एक शैतानी दिमाग की उपज है। जो लोग इंसानियत को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोग कुदरत को नुकसान पहुंचाते हैं, ये उनकी पैदावार है। कोरोना हमारी उपज है और इसे हम ये ना समझ पाए, इंसान को हमने बर्बाद किया और ये हम ना समझ पाए। आओ सब मिलकर ये कसम खाएं, हम इंसान बन जाएं, हम इंसान बन जाएं। ये संदेश हम हेल्पर क्लब के तरफ से, ये संदेश हम हेल्पर क्लब की तरफ से बहुत लंबे समय से जो है ये संदेश पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि काफ़ी जो है प्यार, एकजुटता, एक पिता एक की हम बात कर रहे, संदेश जो है पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में जो है ये संदेश है और एक अच्छी खुशबू जो है जिससे समाज खुशहाल हो जाए। भगत रविदास जी भी यही कंसेप्ट देते हैं हमें बेगमपुरा का, जिस बेगमपुरा के कंसेप्ट में संविधान की बात आती है और बेगमपुरा के कंसेप्ट में भगत कबीर जी, भगत रविदास जी यही बोलते हैं, बेगमपुरा शहर को नाम दुख अंधो नहीं तय ठाओ, कि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई खौफ ना हो, कोई दुख ना हो, ऐसा समाज जो है भगत रविदास जी बाबा भीमराव अम्बेडकर सिर्जना चाहते थे और BSP का भी मुझे लगता है यही संदेश है। सो ऐसा संदेश, ऐसा समाज हम सिर्जना चाहते हैं, तो इस संदेश को हम इंसानियत के एक अच्छे इंसान बनकर ही जो है उसको परिपूर्ण कर सकते। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।